घूमता रहता हूं। मैं भी एक घटना से निकल के आया हूं। मेरा दिल बड़ा तकलीफ में है क्योंकि एक भाई की हत्या हुई और उसके बच्चे मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्होंने एक वीडियो जारी करके मुझसे कहा कि भाई आप आना। 12 साल का उसका बच्चा ये उम्मीद लगा रहा था कि उसका वो जिस रिश्ते मुझे चाहे। हाल तो आजकल तो मैं छोटे से लेके बड़े तक के लिए भैया ही हो गया हूँ, तो वो मुझसे उम्मीद लगा रहा था कि मैं उनके आगे मदद करूं। मैं उनकी लड़ाई लड़ने में थोड़ा सा व्यस्त हुआ, इसलिए आपके बीच देर से पहुंचा। अगर वो लड़ाई ना होती तो मैं 4-6 घंटे आपके बीच बैठ के और ये प्रयास करता कि आप में से यहाँ आया एक भी साथी आज वैचारिक क्रांति से दूर हुए बगैर ना रह पाए। आज वैचारिक का सार आपके अंदर भर दिया जाए और जब आप यहाँ से घर लौटो तो अपने अपने घर में जाकर अंधविश्वास पाखंडवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। लेकिन उससे पहले हमारे सभी भाइयों ने अपनी अपनी बात को रखते आपको तैयार किया होगा। और मैं तो आप जानते हो, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं कि जो कुछ भी करता है इस देश में ईश्वर करता है, ईश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम इस अंधविश्वास पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं और अगर हम भी देश में राज चाहते हैं तो ये उसी तथाकथित ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी देश में नहीं होता। हमारा प्रयास है कि उनकी इस इच्छा को भी हम जल्दी पूरी कर दें। यहाँ हमारी इस मंच वाली टीम के साथ साथ आप भी उतने ही सम्मानित है जो नीचे बैठे हैं, क्योंकि ये कुछ सीखना नहीं चाहते। ये वो वाली जमात है जो सीखना नहीं चाहती और ये वो वाली जमात है जो सीखना चाहती है। जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो इधर बैठता है और जो अपने आप में कमी आता है वो सामने बैठता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, एक दिन में खत्म नहीं होगी मेरे साथियों। ये मुझे पता लगा जब नीलेश भाई ने कहा कि मामना रामस्वरूप वर्मा जी की धरती है, ये दो दो महापुरुषों की धरती है। इस धरती से क्रांति होनी चाहिए। इस धरती से चाहे ईवीएम हो या तमाम तरह से जो सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने की कसम भारतीय जनता पार्टी ने खाई है उसके खिलाफ भी क्रांति का ऐलान होना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं आपको कि बहुत जल्द हम लोग ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी करना जो है उसके ख्वाब देखना भी बंद कर देगी। और मैं जिम्मेदारी के तौर पे आपसे कह रहा हूँ, नौजवान अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले। नारा लगाने से, जयकारा लगाने से, पैर छूने से और झंडा घुमाने से इस देश में क्रांति नहीं आएगी। इस देश में क्रांति आएगी महापुरुषों को पढ़ के। और जो भी मिशन में आना चाहता है सबसे पहले वो अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरा उतारे। पहले वो पढ़े लिखे करके कसौटी में आए तब वो मिशन में आए, वरना आप खुशी खुशी आ तो जाओगे, 2-4-6 महीने में जब आप इस लड़ाई को लड़ने पाओगे तो वापस भाग जाओगे, तो आप अधूरे रह जाओगे। पहले महापुरुषों को पढ़ो और मिशन में अगर आना चाहते हो तो सबसे पहले पढ़ो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, फिर पढ़ो साहू जी महाराज को, फिर पढ़ो बाबा साहब अम्बेडकर को, फिर पढ़ो अर्जुन सिंह को, फिर पढ़ो मान्यवर काशीराम साहब को, और फिर आओ मिशन में। एक ऐसा कोहिनूर तैयार होगा जो मानववाद का मुकाबला डंके की चोट पे करेगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि अगर आप वैचारिक कसौटी पे मजबूत नहीं हो तो कहीं भी पद प्रतिष्ठा अवसर और बिकने का मौका मिलेगा तो आप बिक जाओगे। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आज वास्तविकता में हालात ऐसे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो दिन दूर नहीं कि हमें उस गुलामी अंधेरे में जाना पड़े जिस अंधेरे से हमारे महापुरुष हमें निकाल के लेके आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, मुट्ठी तान लो, कमर कस लो, ऐलान तंग हो चुकी है और अब हम इस देश में गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए तैयार हो चुके हैं। किसी भी कीमत पे महापुरुषों के कारवां को रुकने नहीं देंगे और किसी भी कीमत पे बहुजन समाज में जो एकता एक मत दिख रही है उस एकता को टूटने नहीं देंगे। मेरा वचन है आप लोगों को कि जितना प्रयास हमसे होगा हम इस बहुजन आंदोलन को एकता के धागे में पिरोने का काम करेंगे और जो कमी खामी रह जाए हम और आप मिल के पूरी कर लेंगे। जिस तरह से वो अपने आंदोलन के प्रति समर्पित है आप भी अपने आंदोलन के प्रति समर्पित हो जाओ। जब तक आप इसके अंदर समर्पण क्या संघर्ष की भावना नहीं पैदा होगी तब तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास मीडिया है, उनके पास माफिया है, उनके पास मनी है,
ऐसा नहीं कि वो आपसे ताकतवर है, ताकतवर वो आपसे नहीं है, बस वो अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं, समर्पण से, और हम लोग अपने काम को समर्पण से नहीं कर रहे हैं। हम संख्या में भी उनसे भारी हैं। आप महसूस करो, हजारों हजारों साल की गुलामी एक बटन पर दामने से कर सकती है, अगर मान से गुलाम हो गए हो तो अलग बात है। मैंने तो एक कहानी सुनी थी कि बचपन में हाथी के पैर में जब वो छोटा बच्चा होता है तो एक लोहे की संकल महावत बांध देता है, वो पूरे जोर लगाता है, जितने जोर उसमें वो संकल को तोड़ नहीं पाता, और जब हाथी बड़ा हो जाता है, चाहे वो बड़े से बड़े विषाद वस्तु को गिरा दे, तब उसके पैर में इतनी मोटी संकल की बजाय एक छोटी सी बेड डाल दी जाती है, लेकिन उसमें मानसिक गुलामी इतनी हावी होती है कि वो उस बेड को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, ना भी कहीं कभी प्रयास करता। हम इन गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हैं। आज इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, अधिकार है, हम अपनी बात को कह सकते हैं और हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। नेता इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, इस लड़ाई को तभी लड़ा जाएगा जब आप लोग तैयार हो जाओगे, जब सामने वाले भी ऐसे हो और इधर सामने बोलने वाले भी ऐसे हो, सुनने वाले भी ऐसे हो, जब दोनों चक्के कैसे होंगे तब मिशन तेजी से आगे बढ़ेगा। पता नहीं मोदी जी की बुलेट ट्रेन तो आएगी नहीं आएगी, लेकिन बहुजनों की बुलेट ट्रेन इस देश में आने वाली है। आप लोग कमर कस लो, मंडल कमीशन की अधूरी सिफारिशें भी पूरी होंगी और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और साधन संसाधन में बंटवारा भी होगा। आने वाला समय हमारा है, घबराओ मत, बस मुठिया तान के तय कर लो कि हम इस देश में गुलामी की बेड़ियां काट के ही रहेंगे। मैं प्रशासन के लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा, पुलिस के लोगों का और ज्यादा धन्यवाद करूंगा, ये इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेचारे हैं। इनको पहले 200 रुपए साइकिल भत्ता मिलता था, अब बढ़ा के 500 कुछ रुपए कर दिया, वो भी नहीं देते बेचारों को। और आप विश्वास करो, धुलाई भत्ता 180 रुपए है, जो कपड़ा धोते हैं, मैं इनकी बहुत चिंता करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित कर दे और हफ्ते में इनको एक दिन छुट्टी दे, इनको भी स्वाभिमान सम्मान के साथ प्रदेश की सेवा करने का मौका दे, और जो इनकी ड्यूटी है उसको ये लोग जिम्मेदारी से निर्वहन कर पाए। अभी तो सब लोग पीड़ित हैं, एक एक का नंबर आ रहा है। अभी पहला मानव रहित थाना सात गुजरात का बन गया है, ये दिन दूर नहीं। आज तो इनकी लाठियां कमजोरों के पीठों पे पड़ती हैं, वो दिन दूर नहीं कल इनको ये कह दिया जाए कि नौकरी खत्म, आप जाके घर में खेलो, मौज करो, बहुत दिन नौकरी कर ली। मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये भी याद रखें कि संविधान है तो नौकरी है, संविधान है तो अधिकार है, संविधान है तो स्वाभिमान सम्मान है। इसलिए गुलामी जैसा जीवन मत जियो, संविधान के हिसाब से काम करो। आप यहाँ उपस्थित हो, मैं आपको और ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मैं दोनों भाई हाथ जोड़ के आपसे आज के लिए माफी चाहूंगा। आज आप मुझसे मत कर, अगर मेरे पे काम की जिम्मेदारी नहीं होती, विश्वास करो मेरे खून का एक कतरा आपके लिए समर्पित है। मैं गोली खा के भी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, लेकिन आज क्या करूंगा। अब अपने यहां तो मोदी भी नहीं और अमित शाह भी नहीं, और जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे जी हैं वो भी नहीं, सब कुछ अपने यहां तो भी नहीं हूं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ना रहे और हम सब लोग सामूहिक नेतृत्व हमारा आगे बढ़े। मैंने लक्ष्मण भाई से भी कहा है कि लड़ने वाले लोगों को लड़ने वालों के साथ रहना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इधर उधर रास्ते कठोर है, इधर रास्ता आसान है, संघर्ष करना पड़ेगा, आसानी से तो जन्म भी इंसान का नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेताओं का धन्यवाद। और ये आग्रह, भागोगे उससे पहले उठ के, इसलिए उठ गए बैठो, जो लोग खड़े बैठो, ये सब कहेंगे भाई आए हैं अपने साथ साथ, फौज को भी ले जाते हैं, पूरा कार्यक्रम खराब कर देते, अपमान कराओगे मेरा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सिखाया मैंने तुम्हें कभी? आर्मी किसे कहते हैं? आर्मी वो होती है जो आदेश हो जाए उसका पालन करे, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान। अब तुम डटे रहो, तुम्हें मैदान नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डट के मौके पर रहना है, जब तक कार्यक्रम ना खत्म हो इसको जिम्मेदारी समझ। किसका कार्यक्रम है? विजेंद्र का, विजेंद्र के बाबा थे कैसे, विजेंद्र का क्या है?
इसका तो अब मैं तो भाग्य दुर्भाग्य को भी नहीं मानता, ये तो अच्छा इसका जन्म यहाँ हो गया, हमारा नहीं हो सकता। क्यों भाई? तो बाबा तो सभी के है ना वो, और आप महसूस करो उनसे क्या सीखना चाहिए कि अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। जब उन्होंने सच्ची रामायण लिखी और सब जगह से बंद हो गया तो वो भी घुटने टेक देते, लेकिन ऐसे बहादुर, ऐसे वीर, ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी की के परिणाम दिवस पे आज हम लोग पहुंचे हैं, उनको कोटि कोटि नमन कि उन्होंने उस समन्वादियों को सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेके गए और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के झुका के और ये साबित किया कि तर्क और विज्ञान में कितनी शक्ति है। इसलिए उनको कोटि कोटि नमन और आप सबका धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं और छोटे भाई वीरेंद्र के लिए भी मंगल कामनाएं कि ये इस परिवार का नाम भी रोशन करे और तर्क की कसौटी में भी खड़ा रहे, बाकी तो हम इसके पीछे खड़े ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, और आप सभी के लिए मंगल कामना। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपसे एक विनम्र निवेदन है, चंद्रशेखर भैया जी से विनम्र निवेदन है कि हमारी टीम के दो सदस्य हैं तीन, इनसे मिलकर जाएं कृपया। ब्रजेंद्र जी भैया से कह दें, भाई व्यवस्था को बनाए रखें। भाइयों अभी भाई ने कुछ कहा था, आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान दें। भैया ये तो नहीं, भाई का सम्मान हो रहा है उसमें शांति बनाए रखें, अव्यवस्था ना होने दें। रुक जा बाबू जी। साथियों शांति बनाए रखें, अभी सभी लोग स्थान ना छोड़े, कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। भैया का सम्मान हो जाने दें, कृपया मंच की व्यवस्था देखें, भीड़ न बढ़ने दें। कौन सा साथियों भीम आर्मी के जाबाज सिपाहियों स्थान को ग्रहण करें और शांति बनाए रखें और इस शांति व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें। भाई ने जो आपको आदेश दिया उसका पालन करें। भाई के सच्चे चाहने वाले जो लोग हैं वो व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। साथियों सभी लोग बैठे, अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजगीर भैया जी को सुनने का आपको अवसर मिलेगा और अपने बीच में कई लोग हैं, सभी लोग बैठेंगे। सभी लोगों का सम्मान होना है। सभी साथियों व्यवस्था को मंच पर सभी लोग हैं और उनसे निवेदन है कि आयोजन प्रशासन समिति को भेंट करके सहयोग करें। भीम आर्मी के जाबाज सिपाहियों से आदेश है कि भाई के दिए गए आदेश का पालन करें, भाई को जाने में दिक्कत ना हो। भाई चंद्रशेखर जी ने कहा है कि भाई पुनः आएंगे समय मिलने पर।
क्या आप लोगों को गाड़ी के आसपास में चोट लग सकती है, उसका ध्यान रखें। भैया सभी साथियों से अनुरोध है व्यवस्था को बनाए रखें, और हमारे आदर्श भैया का कहीं फोन कर गया है, अगर किसी को मिला हो कृपया करके दे दे। और तो एक पहले बताया था और एक फोन और अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि अपने विचारों को रखें। अभी कार्यक्रम ऐसे रहेगा, भाई भीम आर्मी के सभी साथी स्थान को ग्रहण करेंगे। अभी आप लोगों से निवेदन है कि शायद विधानसभा सत्र समापन होने के बाद में स्वामी प्रभात मौर्य जी आ सकते हैं, या उनके भी विचार सुनने का अवसर मिलेगा इस महामानव की भूमि पर।